नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज यूके 08 ड्राइव पर। मैं हूं आपका दोस्त राज और सामने आज फ्रेम में देख रहे हैं आप ऑल न्यू होंडा एलिवेट। ये आपका एलिवेट का वी वेरिएंट है, सेकंड बेस मॉडल इसको बोला जाता है। ये आपका आर्कटिक वाइट कलर में सामने आप देख पा रहे हैं। काफ़ी बोल्ड लुक्स मिल जाते हैं इसके फ्रंट में आपको, कुछ इस तरीके की। आपको इसमें सामने की तरफ बिग ग्रिल मिलती है, सेंटर में होंडा का लोगो मिल जाता है, ऊपर की तरफ आपको क्रोम की स्ट्रिप मिल जाएगी, काफी बेहतरीन लुक ऑफर करती है आपको फ्रंट से। ये आपको मैट्रिक्स में इंडिकेटर मिल जाएंगे, इसके डुअल फंक्शनल आपके इंडिकेटर हैं। ये आपका डीआरएल का भी वर्क करते हैं। नीचे की तरफ आपको डुअल एलईडी सेटअप मिल जाता है। ये आपका रिफ्लेक्टर बेस यूनिट है, क्यूब स्टाइल में आपको इसकी व्हाइट कलर में एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं। नीचे फॉग लैम्प की हाउसिंग मिलेगी आपको इस मॉडल में, इसमें आप एक्सेसरीज के तौर पर इसमें लगवा सकते हैं। नीचे की तरफ ग्रे कलर की स्किड प्लेट मिल जाती है और एक एयर डैम मिलता है जो आपके कार के इंजन को नेचुरली कूल रखने में मदद करता है। ये कुछ इसका आप ग्राउंड क्लियरेंस देख पा रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन। इसमें आपको डिपार्चर और अप्रोच एंगल मिलता है, 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है गाड़ी। सामने की तरफ आपको बहुत ही बेहतरीन बिग बम्पर ग्रिल मिलती है, एक मस्क्यूलर एसयूवी का आपको प्योर फील देती है गाड़ी। ये आपकी 12,25,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। अभी मैं खड़ा हूँ हरिद्वार होंडा शोरूम पर। साइड में आपको क्लैडिंग मिल जाती है बॉडी पर, 16 इंच के आपको स्टील रिम मिलेंगे इस वाले मॉडल में। टायर साइज में आपको दिखा देता हूँ, 215/60 R16 सेक्शन का। फ्रंट में आपको मैकपर्सन स्टड मिल जाते हैं, रियर में आपको कॉइल स्प्रिंग मिलेंगे, टोलन बीम। काफ़ी यूज मिरर मिल जाते हैं इसके विथ स्लिक इंडिकेटर। बॉडी कलर में आपको मिरर मिलेंगे इसके। डोर पे आपको गार्निश मिल जाएगी क्रोम की। बॉडी कलर में डोर हैंडल मिलेंगे और आपको दोनों साइड पे रिक्वेस्ट सेंसर भी ऑफर किए गए हैं सेकंड बेस मॉडल में। काफ़ी अच्छे फीचर ऑफर करती है होंडा एलिवेट बेस मॉडल से ही। ये इसकी आप कुछ साइड प्रोफाइल देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी खासी इसमें लेंथ मिल जाती है और काफ़ी बढ़िया इसमें आपको विड्थ मिलती है गाड़ी में। ये इसका आप फ्यूल टैंक देख पा रहे हैं, 45 लीटर में आपको फ्यूल टैंक मिलेगा। ये 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आपकी ऑफर की जाती है। इस वाले वेरिएंट से आपको ऑटोमेटिक भी मिलना शुरू हो जाता है, बेस मॉडल में आपको सिर्फ मैनुअल मिलेगा। ये इसकी रियर की लुक देख पा रहे हैं आप, काफ़ी बेहतरीन रियर प्रोफाइल मिल जाती है इसमें। कनेक्टेड आपको इसमें रियल लाइट नहीं मिलेगी, इसके ऊपर वाले मॉडल में आपको कनेक्टेड लाइट्स मिल जाती हैं ब्रेक की। ये कुछ इसका डिपार्चर एंगल देख पा रहे हैं आप, काफ़ी बेहतरीन इसमें डिपार्चर एंगल मिलता है। ग्रे कलर की स्किड प्लेट मिल जाती है और ये आपके रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। ये आपकी ब्रेक लाइट्स मिलती हैं इंडिकेटर की और ये आपका पार्किंग बल्ब मिल जाता है हेलोजन में। एलिवेट की बैजिंग मिल जाती है, लाइसेंस प्लेट लाइट मिलती है आपको नीचे की तरफ। इसमें आपको रियर कैमरा भी मिल जाता है, सेंटर में होंडा का लोगो और ये आपका कनेक्टेड लाइट मिलती है, लेकिन ये जलती नहीं है, ग्लो नहीं करती है, रिफ्लेक्ट करती है सिर्फ। वाइपर इसमें नहीं मिलेगा आपको, डिफॉगर ऑफर किए गए हैं। हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है और ये आपका शार्क फिन एंटीना आ जाता है इसमें। इसके ऊपर के दो वेरिएंट में आपको संदूक भी ऑफर की जाती है VX और ZX में। ये आपका V मॉडल है, सेकंड बेस वैल्यू फॉर मनी मॉडल है। ये आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू देता है, आपको काफ़ी अच्छी लेंथ और विड्थ मिलती है गाड़ी में, प्रॉपर आपको SUV का फील कराती है। बोनट पे आपको हंजिस मिल जाते हैं, ये आपको देख पा रहे हैं कर्व लाइन, ये उठा हुआ बोनट मिलता है आपको जो एक मस्क्यूलर कार्गो फील देता है फ्रंट साइड से। ये इसके नॉर्मल वाइपर वॉशर मिल जाते हैं आपको। टॉप मॉडल्स में आपको एडास फीचर भी ऑफर करती है गाड़ी। ये इस तरीके की आपको इसमें की मिल जाती है लॉक अनलॉक स्विचेस के साथ, प्रीमियम की मिलेगी आपको सेकंड बेस मॉडल में भी। ये इसका रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, यहीं से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। स्मार्ट कीलेस एंट्री मिलती है इसमें,
पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है ये इस तरीके की। आपको इसमें डो ट्रिम मिलेगी ब्लैक और बेज कलर में, ये आपको ऑफ ब्राउन कलर में मिल जाता है। एक स्ट्रिप मिल जाती है आपको सिल्वर कलर में, डार्क ग्रे कलर में। डोर ओपनर मिलेगा डार्क ग्रे कलर में। विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिरर मिलेंगे, लेकिन आपको फोल्ड अनफोल्ड मैनुअली करने पड़ेंगे। विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये कुछ स्पेस मिल जाता है। ये आपका हार्ड प्लास्टिक मिलेगा आपको। नीचे की तरफ 1 लीटर बॉटल स्पेस मिल जाता है। स्पीकर की प्लेसिंग मिल जाती है आपको। ये इसका फ्रंट कैबिन मिलता है। हाइट और रीच एडजस्ट आपको सीट्स मिलती हैं। इसमें आप हाइट भी मैन्युअली और रीच एडजस्ट कर सकते हैं। बकेट टाइप की सीट्स मिलेंगी आपको। फैब्रिक में आपको सीट अपॉलिस्ट्री मिलती है। टॉप मॉडल में लेदर की अपॉलिस्ट्री ऑफर की गई है गाड़ी में। दोनों फ्रंट में आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं अच्छी खासी कुशनिंग के साथ। काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी सीट्स में मिलती है। ये आप इसकी डैशबोर्ड की लुक देखिए। डुअल कलर थीम मिलती है आपको इसमें। बैठते हैं इसके अंदर की तरफ। सीट्स को आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। सराउंड आपको शेप में होंडा का स्टेयरिंग मिलता है। सेंटर में होंडा का लोगो मिल जाएगा। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल ऑफर करती है गाड़ी। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको। ये आपको इल्यूमिनेटेड इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिख रहा है, ये मिल जाता है आपको। इस तरह का आपको वेलकम फंक्शन मिलता है। एनालॉग में आपको इसमें स्पीडोमीटर मिल जाते हैं, टैको और स्पीडोमीटर। सेंटर में आपको एक MID मिलती है, इसमें आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन शो होती है। फ्यूल एम्प्टी एवरेज, आपकी रेंज, टाइम और काफी सारी आपको इंफॉर्मेशन देता है ये, जैसे आप देख पा रहे हैं सेंटर में। राइट साइड में आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और लेफ्ट साइड पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स मिलेंगे। टॉप मॉडल में आपको ऑटो हेडलैम्प के ऑप्शन भी मिलते हैं और क्रूज कंट्रोल भी आ जाता है। इसमें आपको वॉइस कंट्रोल्स मिल जाते हैं मीडिया के। ये कुछ इस तरीके का आपको कैबिन का फ्रंट में स्लीक डिज़ाइन मिल जाता है। डुअल पैटर्न में आपको कलर मिलता है। ये आपको डार्क ग्रे मिलेगा, ये आपका एक ब्राउन बेज कलर मिल जाता है, फिर एक ये कलर मिलेगा। सारे में आपको हार्ड प्लास्टिक ऑफर किया गया है इस वाले मॉडल में। ऊपर की तरफ आएँ तो आपको ये डे नाइट IRVM मिल जाता है मैनुअली एडजस्ट के साथ। लाइट्स आ जाती हैं ऊपर की तरफ। ये आपको हेलोजन लाइट्स मिलेंगी। माइक आपको यहाँ पर नहीं ऑफर किया गया है। सन होल्डर मिलता है को ड्राइवर वैनिटी मिरर के साथ। ग्रैब हैंडल मिल जाता है एडजस्टेबल। और ड्राइवर साइड आपको को वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, सन होल्डर मिलेगा सिर्फ। 7.5 इंच की आपको इसमें टच स्क्रीन मिलती है। काफ़ी बढ़िया फीचर है ये। बेस मॉडल में काफ़ी अच्छे खासे फीचर ऑफर करती है होंडा एलिवेट आपको। ये आपको कनेक्टिविटी के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें। टच रिस्पॉन्स अच्छा खासा मिलता है इसमें। नेविगेशन इनबिल्ट मिल जाती है और काफ़ी सारे फंक्शन मिलते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वायरलेस कनेक्टिविटी। ये कुछ आपको स्क्वायर टाइप में AC वेंट्स के डिज़ाइन मिल लेंगे। हैजार्ड लाइट का स्विच मिल जाता है आपको यहाँ पर। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है गाड़ी। ये आप देख पा रहे हैं ऑटो AC मिल जाता है आपको इसमें। टॉगल मिल जाते हैं इस तरीके के, काफ़ी अच्छी खासी। फैन स्पीड भी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है आपको। मैक्स कूल का भी आपको एक इसमें ऑप्शन मिलता है अलग से इंटीग्रेटेड। और भी काफ़ी बेहतरीन फीचर ये कार अपने साथ लाती है। नीचे की तरफ आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है। और राइट साइड पे आपको 2 USB के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ कुछ आपको स्पेस मिल जाता है, 2 बोतल स्पेस यहाँ पे मिलता है। ये आपका मैनुअली 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, 6 स्पीड गियर के साथ। काफ़ी प्रीमियम आपको गियर नॉब मिल जाती है। लेदर से कवर मिलेगी। ये आपको एक पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। थोड़ा स्पेस यहाँ मिल जाता है। ये इसका हैंड ब्रेक आ जाता है। फिक्स आपको आर्मरेस्ट मिलेगा फैब्रिक में। इसमें भी आपको कुछ स्पेस मिल जाता है।
ग्लब बॉक्स दिखा देते हैं इसका। ठीक ठाक आपको स्पेस मिल जाता है इसके ग्लब बॉक्स में। यहाँ भी आपको शो कर देते हैं, ट्रैक्शन ऑन ऑफ का ये स्विच मिल जाता है आपको, और ये हेडलाइट लेवलर मिलता है इसका इस साइड पर। नीचे की तरफ आपको तीनों स्टैंडर्ड पेडल मिल जाते हैं, ब्रेक, एक्सीलेटर और क्लच के। डेड पेडल भी आपको ऑफर करती है कंपनी। डोर पे आपको क्रोम गार्निश मिल जाती है, काफी वाइड इसके डोर मिलते हैं आपको। रियर में भी आपको सेम कलर स्कीम मिलती है, और ये हार्ड प्लास्टिक ही मिलता है हैंड रेस्ट पर। यहाँ भी आपको 1 लीटर वाटर स्पेस ऑफर किया गया है। बात करते हैं रियर कैबिन की, ये आपका रियर कैबिन मिलता है, काफी बढ़िया स्पेस आप देख पा रहे हैं, बेहतरीन लेग रूम मिलता है इसमें, कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती हैं। जो आप देख पा रहे हैं मेरा लेग रूम, थाई सपोर्ट काफी बेहतरीन मिल रहा है मेरे को यहाँ पर, काफी अच्छा खासा थाई सपोर्ट मिलता है। मेरी हाइट 5.8 इंच है, तो काफी बेहतरीन मेरे को मिल पा रहा है स्पेस 5'7" to 5'8" वालों के लिए। 6 फीट तक एटलीस्ट काफी आराम से इसमें बैठ के लॉन्ग रूट्स पे जा सकते हैं। आगे वाली सीट्स पूरी मैंने पीछे करी हुई है, तब भी आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा खासा 1.5 फुट का आपको स्पेस मिलता है। रियर में एसी वेंट्स मिल जाते हैं आपको, नीचे की तरफ आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलता है, ये आप देख पा रहे हैं 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है आपको यहाँ पर। 3 एडल्ट इसमें काफी आराम से बैठ के जा सकते हैं, काफी वाइड है गाड़ी। 60-40 स्लिप सीट्स मिलती हैं आपको, कोई आर्म रेस्ट नहीं मिलेगा सेंटर में। 2 हेडरेस्ट मिल जाएंगे बैक में आपको, और आपको तीनों सीट बेल्ट मिलती हैं। काफी बिग इसकी पार्सल ट्रे ऑफर की गई है आपको। क्वार्टर ग्लास मैंने इसमें नहीं मिलेगा, वो आपका रियर विंडो ग्लास में ही इंटीग्रेटेड है, ये आप देख पा रहे हैं। ये ग्लास आपका परमानेंट क्लोज रहेगा, ये ओपन कर रहता है आपका। ये कुछ इसका फ्रंट के डैशबोर्ड का लुक देख पा रहे हैं रियर से, यहाँ से भी आपका बोनट विजिबल है। दोनों हिंजेस बोनट के आपको यहाँ से शो हो रहे होंगे, जिससे आपको कॉर्नर पे गाड़ी मोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से साइड का अंदाजा ले सकते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, पीछे से भी आपको बहुत बेहतरीन आपको बोनट शो हो रहा है। ये आपको ऊपर की तरफ केबिन लाइट मिल जाती है, फ्रंट में भी मिलती है और सेंटर में भी मिल जाती है हेलोजन में। ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं एडजस्टेबल, सभी आपको सीट बेल्ट मिलती हैं। चलते हैं इसके बूट को चेक करते हैं। इस जगह आपको इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट ओपन करने का स्विच मिल जाता है, इसका बूट स्पेस देख पा रहे हैं, अच्छा खासा इसमें बूट स्पेस मिल जाता है गाड़ी में। बूट में आपको 2 हुक मिल जाते हैं, इसमें कोई लाइट नहीं मिलेगी इस वाले मॉडल के बूट्स में। 60-40 स्प्लिट सीट्स मिलेगी, काफी वेल कवर आपको इसकी टूल किट मिलेगी। नीचे स्पेयर टायर मिल जाता है, सेम सेक्शन का आपको स्पेयर टायर मिलेगा। इसकी टूल किट कुछ इस तरीके से प्लेस की गई है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिकली ओपन टेल गेट मिलता है, मैनुअली आप इसे ओपन कर सकते हैं काफी अच्छी तरीके से। इसकी लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये इस तरीके की आपको इसकी रियर टेल लाइट मिल जाती है। ये आपको टोटल एलईडी में मिलता है, ये आप देख पा रहे हैं टोटल आपको एलईडी में मिलता है। पार्किंग बल्ब और आपका रियर पार्किंग बल्ब आपको हेलोजन में मिलेगा, और इंडिकेटर। ये इसकी रियर लुक देख पा रहे हैं आप, काफी प्रीमियम आपको रियर लुकिंग मिल जाती है गाड़ी की। एक बार आपको आगे से भी इसकी लाइट्स दिखा देता हूँ, काफी स्लीक और विजिबल इंडिकेटर मिल जाते हैं मिरर में भी। फ्रंट में कुछ इस तरीके का लुक मिल जाता है गाड़ी में, काफी बोल्ड और मस्कुलर लुक ऑफर करती है गाड़ी, और काफी अच्छे आपको बजट में मिल जाती है। ये इसकी एलईडी क्यूब स्टाइल में आपको लाइट्स मिलती हैं, जो आपका बेस मॉडल से ऑफर की जा रही है होंडा एलिवेट में, ये आपको सेम मिलने वाली हैं।
तो ये था आपका होंडा एलिवेट बी मॉडल का वॉक अराउंड डिटेल रिव्यू। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।